नासा को हमारे सौर मंडल को स्वच्छ रखने के लिए इसके नियमों को अपडेट करने की आवश्यकता है। नासा ने प्लैनेटरी प्रोटेक्शन अनुशंसाओं के लिए एक प्रतिक्रिया प्रकाशित की और इसका उद्देश्य क्लीनर और सुरक्षित मिशन सुनिश्चित करने के लिए अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करना है। नासा पिछले 50 वर्षों से हमारे ग्रह पर अंतरिक्ष से फैल रहे प्रदूषण को रोकने के लिए समान दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है। ग्रहों की सुरक्षा सिफारिशों के जवाब में, जो कि 2018 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंजीनियरिंग और मेडिसिन नासा द्वारा किए गए थे, ने पिछले गुरुवार को एक नई रिपोर्ट प्रकाशित की। सिफारिशों में कहा गया है कि नासा के महत्वाकांक्षी और कभी विकसित होने वाले सौर प्रणाली अन्वेषण के साथ नए ग्रह सुरक्षा दिशा निर्देशों को तैयार करने और उनका पालन करने की आवश्यकता है। ग्रहों की सुरक्षा हमारे सौर मंडल में जैविक प्रदूषण को रोकने या कम करने के लिए है। उद्देश्य यह है कि हम अंतरिक्ष में और अन्य ग्रहों में भेजे जाने वाले रोगाणुओं की संख्या को सीमित कर सकें, ताकि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि हम इन क्षेत्रों को उनके प्राकृतिक आवासों में अध्ययन करने में सक्षम हैं। यह अंतरिक्ष में अन्य ग्रहों और अध्ययनों की रक्षा के बारे में नहीं है, हालांकि ग्रहों की सुरक्षा का अर्थ हमारी पृथ्वी को बाहर के प्रदूषकों से बचाना भी है। वर्तमान में नासा और अन्य अंतरिक्ष अन्वेषण एजेंसियां 50 साल पुराने दस्तावेज आउटर स्पेस ट्रीटी के नियमों के तहत काम करती हैं। हमारे वर्तमान अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रमों में कुछ नियम इस स्तर पर अस्पष्ट और अप्राप्य हैं। इसके कारण नासा कास्पर का अनुसरण करता है, जिसे अंतरिक्ष अनुसंधान समिति उनके अंतरिक्ष ज्ञान से कीटाणुओं को साफ करने की विधि के रूप में भी जाना जाता है। अंतरिक्ष यान कहाँ जा रहे हैं, इसके आधार पर कास्पर उनमें से प्रत्येक के लिए बहुत विशिष्ट सफाई नियम निर्धारित करता है। ग्रहों की सुरक्षा के नियमों को बनाए रखने के लिए अपडेट करने की आवश्यकता है। नासा ने बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा के लिए एक अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बनाई है, साथ ही साथ अपने नए आर्टेमिस मिशन को 2024 की शुरुआत में चंद्रमा पर भेज रहा है। मंगलवार के रोवर्स 2020 के सैंपल रिटर्न मिशन शनि के चंद्रमा टाइटन दूसरे चंद्रमा एनसेलेडस के रूप में खोजने के लिए ड्रोन मिशन भी है। इसके अलावा स्पेसएक्स जैसी वाणिज्यिक कंपनियां भी अपने स्वयं के अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रमों पर काम कर रही हैं। उदाहरण के लिए स्पेसएक्स ने मंगलवार पर अनुसंधान आधार स्थापित करने की योजना बनाई है। इन नए और रोमांचक ग्रहों की खोज पर काम किया जा रहा है, इसलिए हर किसी की सुरक्षा के लिए नए सफाई सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। स्टन ने कहा कि हमारे नए ज्ञान और नई तकनीकों को दर्शाने के लिए ग्रहों की सुरक्षा के दिशा निर्देशों और प्रथाओं को अपडेट करने की आवश्यकता है और सौर प्रणाली भर में मिशन की योजना बनाने वाली नई संस्थाओं का उदय है।